अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले सिंपल सा दम का कीमा की रेसिपी। उससे पहले मेरे रेसिपी को लाइक बटन दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे रेसिपी को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हिट बेल को दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग आज देखने वाले दम का कीमा, हमारे कम इन्ग्रीडियंट्स में बजट फ्रेंडली डिश। तो इसके लिए मैंने लिया है कीमा, ये मशीन का कीमा है, आप हाथ का कीमा भी ले सकते हैं, इस चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, ये मटन कीमा है। और मैंने 3 प्याज को एकदम फाइन चॉप कर लिया है, 2 टमाटो को फाइन चॉप कर लिया है, कोरिएंडर लीव्स, कुछ मिंट लीव्स को चॉप कर लिया है, और 1 चम्मच हम लोग अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, और कुछ हमारे ड्राई मसाले, 1 चम्मच नमक लिया है मैंने, और ये 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चम्मच हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चम्मच हमारा धनिया पाउडर है, 1 चम्मच हमारी हल्दी है, 1 चम्मच कांदा मसाला पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, कुछ खड़े मसाले जिसमें लौंग, ब्लैक पेपर, शाहजीरा, इलायची, दालचीनी और हमारी चक्रीफूल है, और ये मटन मसाला है, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं आप। तो हम सिंपल इंग्रेडिएंट्स में मेरी तरीके से ये रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 1/2 कटोरी ऑयल है ये। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे, हाई फ्लेम पे हम लोग रखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे हमारे खड़े मसाले। खड़े मसाले अच्छे से गरम हो जाए, चटक जाए, फूल जाए, थोड़ा सा इसे स्टर कर लीजिए ताकि ये हमारे खड़े मसाले अच्छे से फूल जाए और फ्राई हो जाए। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे हमारे चॉप्ड ओनियन। इसे मैंने फाइनली चॉप किया है, एकदम छोटा छोटा चॉप किया है, क्योंकि ये बाद में दिखने नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने एकदम फाइन चॉप किया है। इसे हम लोग अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा ये पक जाए, गल जाए, इतना ही हमें चाहिए। तो बस इसे स्टर करते हुए, नीचे से अच्छे से हिलाते हुए इसे थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा कलर चेंज होने तक। बस हमें ब्राउनिश नहीं करना है, इसी यही कलर चाहिए हमें, तो बस 2 मिनट और स्टर कर लेंगे। जब प्याज हमारी अच्छे से पक जाएगी, इसमें हम लोग 2 मिनट अच्छे से चम्मच हिलाते हुए इसे अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट और लगेंगे इसे भूनने में, हमें इसे ब्राउनिश नहीं करना है, बस ये थोड़ी सी गल जाए इतना ही पका लेना है। हमारी प्याज अभी थोड़ी सी भून चुकी है, तो हम थोड़ा स्टर कर लेंगे इसे। इसी स्टेज पे हम लोग को अच्छे से भून लेना है, नीचे से लगने नहीं चाहिए और इवनली पकनी चाहिए, तो इसलिए हमें इसे स्टर करना है। अच्छे से स्टर कर लीजिए, हमारी प्याज थोड़ी पकने आ गई है। इसे हम स्टर करते हुए ये रहिएगा, वरना ये लग जाएगी। तो बस मेरी मुझे यही कलर चाहिए था। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ये स्टेज पे डालने से कसूरी मेथी का भी और हमारे डिश का भी स्वाद बढ़ जाता है, तो कसूरी मेथी से हमारी डिश अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए 2 मिनट इसे भून लेंगे। इसके बाद हम लोग ऐड कर लेंगे हमारी अदरक लहसुन की पेस्ट। मैंने 1 ही चम्मच ऐड किया है। इसे हम लोग प्याज के साथ ही भून लेंगे, ताकि जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट का जो स्मेल है, कच्ची स्मेल है, वो दूर हो जाए। इसलिए हमें इसे प्याज के साथ ऐसे ही अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन को 2-3 मिनट अच्छे से भून लीजिए। फिर हम लोग ऐड करेंगे हमारे बाकी के सारे सूखे मसाले। मैंने पानी नहीं ऐड किया है, मैं प्याज और अदरक लहसुन के साथ इसे 2 मिनट ही स्टर करूँगी, और हाई फ्लेम पे है, ये याद ध्यान रखिएगा। मैंने पानी नहीं ऐड किया है। अभी इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे हमारे टोमेटो, चॉप टोमेटो, क्योंकि ये पानी छोड़ेगा और हमारे टोमेटो भी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो हम लोग टोमेटो ऐड करेंगे। मैंने पानी ऐड नहीं किया है, बस अभी हमारे मसाले को और हमारे टोमेटो को ऐसे ही स्टर करते हुए भूनिए, ताकि हमारे टोमेटो भी सॉफ्ट हो जाए और हमारे मसालों की भी कच्ची स्मेल चली जाए। तो हमारा देखिए टोमेटो भी अच्छे से पक चुका है और मसाले भी 2 मिनट के अंदर भून चुके हैं अच्छे से। बस अभी और हमें इसे थोड़ा सा और भुनना है, ताकि ये अपना ऑयल है जो छोड़ सके। जब हमारा मसाला ऑयल छोड़ने लग जाए, तब समझ लीजिए कि हमारे मसाले भुन चुके हैं। तो फिर अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारा खीमा इसी स्टेज पे, क्योंकि मसाले के साथ साथ अगर हम लोग खीमे को भी भून लेंगे अच्छे से, तो इसमें खुशबू और अच्छी आएगी और हमारे मसाले हमारे खीमे में मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। तो बस देखिए, मैंने अभी तक पानी ऐड नहीं किया है, तो बस मैं अच्छे से खीमे को भून रही हूँ। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है और हम लोग इस कढ़ाई में ही बनाएंगे। ये मशीन का कीमा है, ये थोड़ा फाइन होता है तो जल्दी पक जाता है, और मटन कीमा है तो जल्दी ही गल जाएगा। तो बस अभी हम इस स्टेज पे इसे भूनेंगे 2 सेकेंड के लिए, और टोमेटो को भी सॉफ्ट करेंगे साथ ही में। बस अभी इसमें ऐड करेंगे हम लोग पानी। मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया है, आधा आधा ग्लास ही ऐड किया है, यानी 1 कप मैंने पानी ऐड किया है,
ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है हमें, बस इसी स्टेज पे ज़रा पानी मिक्स कर लीजिए अच्छे से। हमारा खीमा, हमारा मसाला और पानी एक मिक्स हो जाना चाहिए। इसी स्टेज पे हम लोग ऐड करेंगे हमारा पुदीना और हमारी कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स जो चॉप करके रखी थी वो मैंने ऐड की है। इसे भी एक दो मिनट के लिए स्टर कर लेंगे। इसे अच्छे से भून लेना है। जब हमारा खीमा थोड़ा सा पक जाए, इसमें एक बॉयल आ जाए, तो बस इसे एक बॉयल लेना है। देखिए एक बॉयल आने लगा है, तो बस अभी हम लोग ढक्कन ढक के इसको 10 से 15 मिनट ऐसे ही पकाएंगे ताकि इसका पानी भी सूख जाए। और इसको ऐसे दम देंगे, दम ऐसे दीजिएगा जिसकी स्टीम बाहर ना निकले। देखिए मेरी पानी भी सूख चुका है, थोड़ा ड्राई होने आया हमारा खीमा। बस अभी स्टर करेंगे, बीच बीच में स्टर करते रहिएगा नहीं तो नीचे से खीमा लग जाएगा। तो बस अभी हमने स्टर कर लिया है। आप चाहे तो इसी स्टेज पे निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा खीमा मसाला सब पक चुका है, या फिर आप इसे और ड्राई कर सकते हैं। तो मैं 5 मिनट रखूंगी और ड्राई करूंगी, फिर डिश आउट कर लूंगी। देखिए मेरा दम का खीमा रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी सी रेसिपी और सबको पसंद आएगी। आप इसको पाव के साथ, रोटी के साथ या जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा।